Hey guys, it's the car test trailer Pankaj और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बाइसाइकिल को एकदम वॉश कर सकते हैं और एकदम नया जैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, to wash your bicycle, take a bucket full of water and please don't use a pipe and waste water. तो गाइस आपको सबसे पहले स्टेप में अभी पूरी साइकिल में अच्छे से पानी डालना है। सो गाइस इन द नेक्स्ट स्टेप प्रेस द रियर ब्रेक लीवर ऑफ योर बाइसाइकिल एंड प्लेस इट अपसाइड डाउन ऑन द ग्राउंड। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको एक ब्रश लेना है, उसके ऊपर बहुत सारा टूथपेस्ट लगाना है, साबुन लगाना है, जो भी आपके पास है, और फिर अपने टायर को घिसना है ताकि वो एकदम साफ हो जाए और शाइन करे। सो गाइस साइकिल के टायर को अच्छी तरीके से धोने के बाद आपको कुछ इसी तरीके की फिनिशिंग मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके टायर एकदम नए जैसे हो चुके हैं। सो गाइस इन द नेक्स्ट स्टेप आपको अपनी बाइसाइकिल के स्टैंड, फ्रेम, डिस्क ब्रेक, क्रैंकसेट, चेन सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से इसी ब्रश की मदद से, साबुन की मदद से, टूथपेस्ट की मदद से अच्छी तरीके से धोना है और ताकि आपकी साइकिल एकदम नई जैसे बन सके। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने ब्रश की मदद से फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, फ्रंट रोटर और फ्रंट सस्पेंशन के लेग्स को अच्छी तरीके से साफ करना है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में एक बार आपको हर एक पार्ट की इंस्पेक्शन करनी है, कहीं भी साबुन ना रह गया, और अगर आप चाहते हैं तो एक बार दोबारा से पूरी साइकिल को वापस से ब्रश की मदद से घिसिए और फिर से पूरी साइकिल में एक बार पानी डाल के एकदम परफेक्टली उसे वॉश कर दीजिए। गाइस आप अपने बाइसाइकिल के हैंडल बार को भी सेम प्रोसीजर से साफ कर सकते हैं। मैं उस पार्ट को वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वो बहुत सिंपल पार्ट है और आप उसे ऐसे ही कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप ये बाइसाइकिल के रियर कैसेट को आप देख सकते हैं कि ये बहुत गंदा हो रहा है, इसमें ग्रीस और डर्ट लगी हुई है, तो आप इस कैसेट को भी उसी ब्रश और कुछ टूथपेस्ट या साबुन की मदद से इस कैसेट को घिस के इसको भी एकदम नया जैसा चमका सकते हैं और उससे साइकिल और अच्छी दिखेगी। तो गाइस आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ नहीं करना है और आपको अपनी साइकिल को ऐसे छोड़ देना है ताकि जितना भी एक्सेस वाटर हो सारा नीचे गिर जाए। सो गाइस लास्ट स्टेप में आपको अपनी बाइसाइकिल को एक रैग यानी कि कपड़े से पोंछना है। हर एक उस पार्ट को अच्छे से पोंछिएगा और पानी को मत रहने दीजिएगा अपने साइकिल के फ्रेम में, क्योंकि हो सकता है कि अगर पानी रह जाए तो आपके साइकिल के फ्रेम में रस्ट लग जाए, तो इससे अच्छा कि आप अपने साइकिल के फ्रेम को अच्छे से सुखा दीजिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, अगर ये वीडियो आपको एक एंटरटेनिंग वीडियो लगी तब भी इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसी वीडियोस हर हफ्ते मिलती रहेंगी। आपको कैसी लगी इस वीडियो के बारे मुझे बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर। And I'll see you in the next one. So till then, bye. If it's to me, I'ma take it.